Zanuraj. बाप रे, ये तो राम है। अगर ऐसे वो देख लेगा मुझे तो बगैर स्ट्रोक के मेरा दिमाग चूस लेगा। चलो चलो चलो। ए, जरा ठहरो। हाँ? रहीम। हाँ? तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेट फॉर ईच अदर यार। हाँ? क्या दोस्त, क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ यार, मैं बहुत बदल गया। लेकिन राम, तुम्हें मुझे माफ कर। क्या? मैंने एक गलती की है। शादी से पहले ही? जी जी, वो गलती नहीं, मैंने तुम्हारे करेक्टर को गलत समझा। फ्रेंडशिप को जो तुमने वैल्यू दी है, मैं उसे समझ नहीं सका। तुम्हारे और चना के बीच प्यार नहीं बल्कि अच्छी फ्रेंडशिप है, ये हम समझ नहीं पाए। सच में तुम ग्रेट हो यार। आई एम सॉरी दोस्त। नहीं दोस्त, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रहीम। क्यों? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अर्चना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। राम। हाँ यार, और शादी का फैसला भी कर लिया। इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। हाँ यार, लेकिन अर्चना की शादी होने वाली है ये जानते हुए भी तुम इतना खुश क्यों हो रहे थे? ये शादी नहीं होगी इसीलिए। नहीं होगी? ये तुम्हें कैसे पता? दूल्हे ने कहा। दूल्हे ने कहा? ओ मेरे पागल दोस्त, जब अर्चना की शादी ही नहीं होने वाली तो उसका दूल्हा कहाँ से आकर गिरा? क्या है ये, वेडिंग कार्ड तो तुमने भी देखा था। देखना क्या है? वो कार्ड हमने ही तो प्रिंट करवाया था। दिल्ली? हाँ यार, तुम्हारे दिल में जो बात है उसे बाहर निकलवाया तभी तो हमारी लाइन क्लियर होगी, इसलिए कार्ड प्रिंट करके कुरियर करवाया था। अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो रवि अर्चना के सेल से फोन कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? तेरे पास सेल नहीं है क्या? है तो एक बार तो उसको फोन कर, मैं यू उसका एड्रेस और पता निकाल कर देता हूँ। तुम सब चुप रहना। हेलो राम, हाउ आर यू? फाइन रवि। तुम्हें जो 5 लाख रुपए देना है उसका इंतजाम तो अभी। अरे छोड़ना, मेरी बात सुनो रवि, शादी कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? या मेरे पेरेंट्स